और आपकी एनओसी कैंसिल हो जाएगी, ना तो नंबर चेंज होगा ना आरसी बनेगी। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एनओसी कैंसिलेशन का। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनओसी कैंसिलेशन कैसे की जाए, क्योंकि वीडियो तो मैंने काफी देखी है बट प्रॉपर तरीके से किसी ने बताया नहीं है, तो सोचा मैं ना क्यों ना आपके लिए बना दूं ये वीडियो, ताकि जिससे आपके लिए आसानी हो जाए एनओसी कैंसिलेशन कराने में। क्योंकि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पैसे लिए जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, क्या एनओसी हम कैंसिल कराते हैं तब दोबारा से नया नंबर लेना पड़ता है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर जरा ध्यान देना। चलो समय को ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनओसी आपने इशू करा ली। अब एनओसी इशू में दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शन क्या होते हैं, एक तो होता है चेंज ऑफ एड्रेस, एक होता है सेल पर्पस। मैं अपने पर उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मैं ओनर हूँ, मैं यहाँ से राजस्थान शिफ्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ एड्रेस डालूंगा उसके अंदर और मैं राजस्थान में जाकर ट्रांसफर करा लूंगा। लेकिन मैंने किसी राजस्थान वाले बंदे को सेल कराया तो मैं वहां पे सोल्ड का होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करूंगा और ट्रांसफरिंग में उस बंदे का नाम डालूंगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना। चेंज ऑफ एड्रेस में आपको नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेल्फ एनओसी बोला जाता है उसको, और सेल्फ एनओसी उसी बंदे के नाम पे ट्रांसफर होती है जिसके नाम पे गाड़ी है, किसी अदर बंदे के नाम पे नहीं होती ट्रांसफर। और ये सेल्फ एनओसी के नाम से कई लोगों को बेवकूफी बनाया जा रहा है। तो सेल्फ एनओसी क्या होती है, वो ये होती है। जो दूसरा तरीका है वो है कि मैंने गाड़ी किसी को सेल करी है तो उसमें ट्रांसफरी की जगह उस परचेजर का नाम आता है। ट्रांसफरी मतलब परचेजर, टेक्निकली आरटीओ की लैंग्वेज में उसे ट्रांसफरी बोला जाता है और सेलर को ट्रांसफरर बोला जाता है। तो हमें ट्रांसफरी में उसका नाम डालना है और हमें अप्लाई कर देना है। आपने एनओसी तो इशू करा के दे दी, लेकिन उसने बोला कि भैया हमारी कुछ पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा जब हमारी गाड़ी वहां ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने एनओसी इशू करा के दे दिए तो पूरी ही पेमेंट लेनी है आपको एनओसी इशू कराने से पहले, क्योंकि अगर एनओसी इशू हो गई और उसने पेमेंट नहीं करी तो आपका पूरा टाइम खराब होगा, आपकी आरटीओ जाने की भागदौड़ी हो जाएगी, फिर उस एनओसी को कैंसिल कराने समझ में नहीं आएगा, फिर किसी एजेंट से बात करोगे, कोई भी आपको मामू बना देगा, ठीक है। और कमेंट करना है आप किसी भी स्टेट से मेरी जो वीडियो देखते हो, ताकि मुझे भी ये पता चलता रहे कि किन किन स्टेट के भाइयों का मैं भला कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मान लो आपकी डील हो गई कैंसिल, कोई कुछ इशू हुआ जिसमें आपने मना कर दिया कि मैं आपको गाड़ी नहीं बेचूंगा, लेकिन उस केस में क्या हुआ, एनओसी तो इशू हो चुकी है, अब क्या करें। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आरटीओ के नाम पे जिस डिपार्टमेंट से एनओसी इशू हुई है, टू द एमएलओ करके जो भी आरटीओ का एड्रेस है, सब्जेक्ट में एनओसी कैंसिलेशन, और आरटीओ की लैंग्वेज में एनओसी कैंसिलेशन को वर्ड कहते हैं रोल बैक। मोस्टली एजेंट को आपने सुना होगा, अरे आपको रोल बैक करानी है, तब आपको समझ में आता है हाँ यार रोल बैक का मतलब दोबारा री रजिस्टर्ड करानी है। सिर्फ एप्लीकेशन लिख के देना है और एक इंडेमनिटी बॉन्ड वो मांग सकते हैं, दो चार डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी है और आपकी एनओसी कैंसिल हो जाएगी, ना तो नंबर चेंज होगा ना आरसी बनेगी, वही पुरानी आरसी चलेगी, वही पुराना नंबर चलेगा। फिर उसके बाद कोई भी आप नया बायर ढूंढो और फिर उसे बेच देना, फिर उसके बाद एनओसी इशू करा के दे देना। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एनओसी कैंसिलेशन का। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है या कुछ इंक्वायरीज है या समझ में नहीं आया, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी भी है, मैं अपना एक सेकंड चैनल लेके आया हूँ रमेश LLB कर, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि कहीं तरह के जो नए हमारे एडवोकेट बन रहे हैं उनको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, लेकिन स्टाइपेंड उनको बहुत कम मिलता है, सिर्फ आने जाने का खर्चा ही मिलता है। तो उस चैनल पे मैं सब तरह की चीजें बताऊंगा आप लोगों को लीगल से रिलेटेड, जो हमारे नए एडवोकेट बने भाई वो कैसे कमाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, और एक दिन का टाइम निकाल के, मतलब कोर्ट का प्रोसेस नए को अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के तो गॉडफादर होते हैं भाई, कोई कोई फील्ड में ऐसे भी उतर जाता है जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता, लेकिन हम सबका गॉडफादर वो ऊपर वाला है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमें मिला देता है। तो इसीलिए मेरे उस चैनल को आप सपोर्ट करना, आपका प्यार चाहिए इसी चैनल की तरह। जय हिंद जय भारत।